टुडेज लेक्चर्स अनाउंसमेंट देर इज़ नथिंग न्यू इन द अनाउंसमेंट कल वाली अनाउंसमेंट्स ही हैं देन वी विल हैव अ रीकैप अबाउट रैशनल ट्रांसफर फंक्शन जिसकी हम रैशनल जी ट्रांसफॉर्म जिसकी हम कल बात कर रहे थे एंड देन वी विल टॉक अबाउट LTI सिस्टम के सिस्टम अभी तक जो है वो हम जी ट्रांसफॉर्म की बात जो कर रहे हैं दैट इज़ विद रेफरेंस टू सिग्नल्स ओनली अब हम बात करेंगे विद रेफरेंस टू सिस्टम्स एंड जब हम सिस्टम्स की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट सिस्टम फंक्शंस जो कि जी ट्रांसफॉर्म में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो सिस्टम के रेफरेंस से हम बात करते हैं LTI सिस्टम के रेफरेंस से एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम्स एंड इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम्स विद रेफरेंस टू द सिस्टम फंक्शंस और एट द एंड वी विल टॉक अबाउट कॉजैलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम कि अगर कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम है तो उसमें ROC जो है उसमें व्हाट आर द कंडीशंस टू फॉलो ऑन ROC जिसकी बेस पे वी कैन जस्ट लुकिंग एट द ROC वी कैन डिसाइड के कॉजल है सिस्टम स्टेबल है या कॉजल प्लस स्टेबल है और ये सारी चीज़ें जो है वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कॉजैलिटी एंड स्टेबिलिटी स्पेसिफिकली क्योंकि वी विल सी लेटर ऑन के जब हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी लुक एट फॉर द स्टेबल सिस्टम्स टू बी स्टेबल और कॉजल भी होता है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रियल टाइम सिनेरियोज जी तो अनाउंसमेंट में अगेन वही है आपका क्विज जो है वो नेक्स्ट वीक में होगा और असाइनमेंट अपलोड हो गई है आई वुड एडवाइस कि असाइनमेंट्स को थोड़ा थोड़ा करके देखना शुरू कर दें आई डोंट थिंक इट्स अ डिफिकल्ट असाइनमेंट लेकिन उसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस के लिए आपके काम आएंगे सो और लेंथी है असाइनमेंट सो अगर आप एंड में शुरू करते हैं तो इट मे टेक मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम और मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसके अगले वीक में जो है वो आप लोगों का मिड टर्म होगा असाइनमेंट की सबमिशन के बाद सो आई वुड लाइक कि आप लोग सबमिट कर लें ताकि फिर आप उसके सॉल्यूशंस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकें दोनों असाइनमेंट्स को ओके पोज एंड जीरोस बात कर रहे थे वी वर टॉकिंग अबाउट रैशनल जी ट्रांसफॉर्म वी एक्चुअली हैव एस्टैब्लिश दिस थिंग कि हम रैशनल जी ट्रांसफॉर्म को जो है वो वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इन न्यूमरेटर एंड पॉलिनोमियल्स इन डिनोमिनेटर एंड बोथ द पॉलिनोमियल्स आर मैम हमारे मेट्स फेस टू फेस होंगे या ऑनलाइन ही होंगे बेटे ये मुझे खुद भी नहीं पता आई हैव नो आइडिया कि क्या चल रहा है एक तो ये कि ISTE के अपने डिसीजंस हैं प्लस ये कि अब मुझे लगता है कि आज गवर्नमेंट भी कुछ अनाउंस करेगी उनके जो है वो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं तो शायद उसकी बेस पर जो है वो चेंज हो जाए लेकिन बेस्ड ऑन वट एवर दे हैव सेट टिल नाउ जो कल का की अपडेट है उसके हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि फेस टू फेस डज नॉट सीम पॉसिबल बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन कैंपस मतलब सारे जो हैं वो डे स्कॉलर्स नहीं हैं हॉस्टलाइट्स भी हैं तो अगर फेस टू फेस करें तो फिर उनका क्या करेंगे बिकॉज अभी जो मेजर लगता है मेजर इशू जो है वो यही है कि हॉस्टल में अगर बुला लें सारों को तो फिर क्राउडेड हो जाएगा और कोविड का मसला है इस तरह की चीज़ें हैं तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन ही होंगे बट यू विल नो मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक और सो के फाइनल क्या डिसीजन होता है मैम आपने कहा नेक्स्ट वीक से मिड है मतलब कि असाइनमेंट की नेक्स्ट वीक तो फिर असाइनमेंट की नेक्स्ट वीक 22 बनता है तो 22 मार्च से मिड अच्छा असाइनमेंट का नेक्स्ट वीक 22 बनता है असाइनमेंट इज 22nd है ना सबमिशन तो मिड आपके 29 से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं मुझे तो यही ओके सी सी यस ठीक है मैम क्विज से कंफ्यूज कर दिया था मैंने क्विज की डेट ओके यस 29 थैंक यू ओके अच्छा जी तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एक्स ऑफ जी तो इसमें जो है एंड वी सॉ के जब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं व्हाट वी टारगेट एक्चुअली आर टारगेट इज टू हैव दिस थिंग ठीक है वी वांट टू हैव द पोल्स एंड जीरोज व्हिच आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सो हमने कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि यहाँ तक हम पहुँचते कैसे टुडे वी विल जस्ट डिस्कस दिस थिंग कि अगर आपके पास रूट्स आ गए हैं तो नाउ व्हाट आई एक्चुअली कैन सी फ्रॉम हेयर इज के जो मेरे पास जी है दिस विल बी जस्ट अ कॉन्स्टेंट विच विल बी द रेशियो ऑफ वी नॉट एंड ए नॉट जी जो है इसमें एन माइनस एम जो है
ओके इट कैन बी, इसकी पावर जो है पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, बेस्ड अपॉन के एन ज़्यादा है, नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है, इसके ऊपर हम दोबारा वापस आते हैं. लेकिन जो ये एक्सप्रेशन है पाए वाली है, दिस इज़ जस्ट टेलिंग अस के हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर विल बी समथिंग लाइक दिस, जी माइनस जी वन मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस जी टू एंड सो फोर्थ, जी माइनस जी एम तक हमारे पास हैं, एंड देन डिनोमिनेटर वुड बी जी माइनस पी वन मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस पी टू एंड सो फोर जी माइनस पी एन तक. सो वट वी कंक्लूडेड फ्राम हेयर इज़ के आपके पास अगर तो दिस एक्चुअली जो सिग्नल जिसकी हम बात कर रहे हैं इट हैज़ एम जीरोज एंड एन पोल्स, ठीक है, एंड दीज आर नॉन जीरो पोल्स एंड जीरोज, बिकॉज पी वन पी टू पी थ्री जो है दीज आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, बट नॉन जीरोज हैं. एंड वट वन मोर थिंग दैट वी नो इज के एम इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू एन, विच मीन्स कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ पोल्स एंड नॉन जीरो पोल्स एंड जीरोज नॉट नेसेसरीली आर इक्वल. तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज के बट इन प्रिंसिपल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज आर इन अ सिग्नल और इन अ सिस्टम नीड्स टू बी सेम. तो अगर नॉन जीरो पोल्स एंड जीरोज सेम नहीं हैं, देन व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज के आपके पास जो बाकी पोल्स एंड जीरोज होते हैं दे आर आइदर एट जीरो, एट z इक्वल टू जीरो और एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, और इनको हम ट्रीवियल पोल्स एंड जीरोज कहते हैं. एंड वी विल सी के दीज पोल्स एंड जीरोज एक्चुअली डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम. जो नॉन जीरो पोल्स हैं इसके बारे में हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि ये कहाँ पर है, और उसकी बेस पे बहुत सी चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं जो कि आगे हम फर्दर करते चले जाएंगे. लेकिन अब जो है वो z इक्वल टू जीरो पे कितने हैं और z इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितने हैं, वो किस चीज़ से डिसाइड होता है, दैट इज डिसाइडेड विद दिस नंबर. कि आपके पास अगर आपके लेट सपोज के इफ यू हैव मोर पोल्स एंड लेस जीरोज, तो इसका मतलब ये है कि एन वुड बी ग्रेटर देन एम. मोर पोल्स का मतलब अगेन मैं ले रही हूँ नॉन जीरो पोल्स, ठीक है. सो इट मीन्स के आपके पास जो है वो एन ग्रेटर देन एम है, और इन दैट केस आपके पास जी की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, समथिंग पॉजिटिव होगा, बिकॉज n माइनस एम विल बी पॉजिटिव. इन दैट केस जो n माइनस एम जितना भी आपके पास नंबर आ रहा है दैट इज द नंबर ऑफ जीरोज एट z इक्वल टू जीरो, ठीक है. दिस थिंग यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, और अगेन ये हम लिख जरूर देते हैं एंड वी मेंशन दिस आल्सो इन द फॉर एग्जांपल. अगर कल की एग्जांपल आप याद करें कि हमने ये देखा था कि वी सॉ के This is a n u of n का z transform हमारे पास ये आ रहा था z greater than a. जब मैंने इसको in the form of z लिखा था तो it came out to be z over z minus a, ठीक है. तो अब आपके पास one non-zero pole है and there is no non-zero zero. तो अब इस केस में अब आप देखें कि number of pole n is actually equal to one और m इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो. तो जो z की पावर मेरे पास आ रही है वन माइनस जीरो विच इज वन, सो इट मीन्स कि आई विल हैव वन जीरो एट z इक्वल टू जीरो विच इज अ नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल जीरो. और इस केस में जो है उसके बावजूद अगर आपके पास बैलेंस नहीं हो रहे नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास बाकी जो जीरोज होंगे दे विल बी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, और वो हमें एक्सप्रेशन से जो है वो आइडिया हो जाता है. Similarly, if it is the other way round, which means के अगर मेरे पास more non-zero zeros हैं as compared to the poles, which means m is greater than n, then in that case I will have something zero to the power negative में मेरे पास ऊपर power आ जाएगी, which means कि अगर मैं इसको denominator में ले जाऊँ तो positive power हो जाएगी. या in other words what this is telling me is के जो मेरे पास m minus n poles at z equal to zero मौजूद होंगे, ठीक है. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज के नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज आर ऑलवेज इक्वल,
बट नॉट नेसेसरली द नॉन जीरो नंबर ऑफ फोर्स एंड जीरोस. तो नॉन जीरो हम पहले निकालते हैं, वी आर कंसर्न विद दैट, एंड देन जो भी बीच में चीज हमारे पास मिसिंग होती है वी ट्राई टू सी कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस जी, कि उससे हमें पता चलता है कि जीरो पे कितने जीरोस होंगे या फोर्स होंगे, एंड देन द रिमेनिंग कैन बी एट जी इक्वल टू इन्फिनिटी ऑल्सो. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कल हमने अगेन ये बात भी डिस्कस की थी कि जीरोज जो हैं वो आपके एक्स ऑफ जी को कहाँ ले जाते हैं, जीरोज मेक्स एक्स ऑफ जी इक्वल टू जीरो एंड पोज टेक देम टू इन्फिनिटी. जो कि अगर आपके पास पी वन जी की वैल्यू में पी वन लगाती हूँ तो इस ये एक्सप्रेशन जो एक्स ऑफ जी वाला है इट विल गो टू इन्फिनिटी. अगर मैं पी टू लगाती हूँ तो इट विल गो टू इन्फिनिटी बिकॉज वन ऑफ द टर्म्स इन द डिनोमिनेटर इज गोइंग टू जीरो. सो एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि आर ओ सी जो है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में z transform should not go to infinity. हमने जो है वो start ही यहाँ से किया था कि x of z जो है वो less than infinity होना चाहिए. That is how we define ROC. So one thing that we need to remember is कि ROC must not contain any pole. ठीक है, अगर आप कहीं पे कुछ सॉल्व कर रहे हैं और आप जो आर ओ सी आपके हिसाब से आ रहा है इफ़ यू थिंक कि इट कंटेन्स अ पोल तो इट मीन्स कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आर ओ सी इज द रीजन जिसमें जी ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करेगा ही करेगा. और वी हैव सीन कि अगर पोल इंक्लूडेड है तो कन्वर्जेंस नहीं होती, इट ऑलवेज गो टू इन्फिनिटी. सो लेकिन इट डजंट मीन कि इसका मतलब है कि पोल्स जो हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर इम्पॉर्टेंट. वी विल टॉक अबाउट दिस कि आप सारे फिल्टर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के वो पोल्स बेसिकली पोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी बेस पे जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि कैसे जो है वो हम गेन वगैरह को सेट कर सकें. मगर ये कि पोल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन आर ओ सी. अच्छा, अब इसके लिए वी एक्चुअली डिड दिस एग्जाम्पल, ये तो हमने कल भी कर ली थी एग्जाम्पल, आई विल नॉट रिपीट इट. दिस इज जस्ट इसको यहाँ पे दोबारा डालने का मकसद ये था कि दिस इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल विच हैज़ जस्ट वन नॉन जीरो पोल एंड वन जीरो एट जीरो. एंड दिस इज वी हैव सीन कि दिस इज द केस वेन आर सीक्वेंस वॉज इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस. ठीक है, तो हमने और ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस के केसेस में हमारे पास जो जी ट्रांसफॉर्म आ रहा होता है दैट हैज़ एक्सप्रेशन लाइक दिस कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास नॉन जीरो जो है वो रूट्स आ रहे होते हैं, या वी हैव नॉन जीरो पोल्स अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का सीक्वेंस मौजूद है. और वी हैव सीन के इस केस में जो है वो आर ओ सी इज आउटसाइड एनी सर्कल. Another example जो आज मैं करना चाहूँगी जो हम कल नहीं कर पाए थे, that is actually for finite duration sequence. के let's suppose के we want to solve for this thing. हमारे पास x of n is equal to a n for n between 0 to m minus 1. And this is zero otherwise. ठीक है, and we want to compute x of z. क्या हो जाएगा x of z? Okay, अच्छा जी, before we again move forward, there are certain, अच्छा देखिए इसका तो simple मैं formula अगर लगाती हूँ तो I will have this actually n from 0 to m minus 1 तक आ जाएगा because of the length, or a n z inverse raised to the power z raised to the power minus n aa jayega, ya main isko likh sakti hu n equal to 0 to m minus 1 a z inverse raised to the power n. ab aap mujhe bataiye ki kya aayega ye summation jo hai isko jab main open karun to kya aa jayega. Okay, let me write some formulas for summations, जो कि बार बार हम यूज करते हैं. ओके, वन बाय वन, चलिए वन माइनस, जी जी बोलें, इनवर्स इनवर्स रेस टू द पावर व्हाट
ओके लेट मी राइट द फॉर्मूला यार, फिर मैं दोबारा आप लोगों से पूछती हूँ. अच्छा फॉर्मूलाज जो हैं हमारे पास, एक तो देखें ये वाली चीज़ हमारे पास है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी है ए एन, ठीक है. दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू वन ओवर वन माइनस ए इफ ए इज लेस देन वन, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है. एंड इट गोज टू इन्फिनिटी इफ ए इज ग्रेटर देन वन, ठीक है. और इवन इक्वल टू हो तो तब भी हम वन को जब इनफाइनाइट टाइम्स एड अप करते हैं. सो दिस इज एक्चुअली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला है. यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज ज़ीरो एंड फ्रॉम ज़ीरो टू सम एन तक जा रहा है ए रेज़ टू द पावर एन. तो इस केस में क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है वन माइनस ए रेज़ टू द पावर एन प्लस वन ओवर वन माइनस ए, ठीक है. एंड इट डजेंट मैटर कि ए की वैल्यू क्या है, अनलेस ये इनफाइनाइट जा रहा है तो फिर तो ज़्यादा समीशन होगी नहीं. अब अगर ए की कोई भी फाइनाइट वैल्यू के लिए दिस विल बिकम अ समथिंग फाइनाइट. एंड देन देर इज़ एन अदर पॉसिबिलिटी कि आपके पास एन वन से एन टू तक है, ठीक है. तो उस केस में इट बिकम्स ए रेज़ टू द पावर एन. इस केस में इट बिकम्स ए रेज़ टू द पावर एन वन माइनस ए रेज़ टू द पावर एन टू प्लस वन ओवर वन माइनस ए, ठीक है. तो पहला जो है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस के लिए जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है, दूसरा जो है वो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है बट फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है जिसका आप ज्योमेट्रिक सीरीज ले लें, और जो लास्ट वाला जो है दैट इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज नॉन ज़ीरो आपके पास जो है वो दोनों की दोनों जो है वो टर्म्स है. ये फार्मूलाज यू नीड टू एक्चुअली मेमोराइज देम बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये बार बार हमारा एटलीस्ट इस कोर्स में यूज़ हो रहे होंगे. अब मुझे कोई बताएगा कि व्हाट विल बी दिस समेशन. मैम इसकी पावर m हो जाएगी ओवर 1 माइनस a z, ठीक है, इनवर्स. हाँ जी, so this will be equal to a over 1 minus a z inverse, ठीक है. अब मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व करती हूँ अगेन, सो इट विल बिकम a रेज़ टू द पावर m z रेज़ टू द पावर माइनस m ओवर 1 माइनस a z inverse, एंड आई विल टेक z माइनस m आउटसाइड जस्ट टू मेक इट इन z, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकॉज मैं पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करना चाहती हूँ. ओके ओके, अब हु विल टेल मी हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर जो है उसका तो मुझे कोई मसला नजर नहीं आ रहा बिकॉज आई कैन सी के डिनोमिनेटर में दिस इज जस्ट वन नॉन जीरो रूट विच इज जी इक्वल टू ए के ऊपर है. हाउ विल बी सॉल्व फॉर रूट्स ऑफ मैम की आपने थोड़ा m को कॉमन निकाल देंगे. हाँ जी जी, ये हमने कल किया था ना कि जब हम रूट्स निकालना चाहते हैं तो व्हाट वी डू इज के जो भी हाईएस्ट पावर होती है z इनवर्स की उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं. ये जो दिस स्टेप, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव द पॉलिनोमियल्स इन द पावर ऑफ z इंस्टेड ऑफ पावर ऑफ z इनवर्स, ठीक है. तो वही काम मैंने यहाँ पर किया हुआ है के कहाँ चला गया गिरा कि मैंने जो है वो जी रेज़ टू द पावर माइनस एम वाज द हाईएस्ट पावर्स इन द न्यूमरेटर, तो जी रेज़ टू पावर माइनस एम है ये, सॉरी, ठीक है, दिस इज माइनस एम. और तो मेरी राइटिंग अंदर भी जी के साथ माइनस लगेगा, नहीं अंदर तो फिर प्लस आ जाएगा ना, माइनस क्यों होगा, वन की जगह जी रेज़ टू द पावर एम आ जाएगा ना. देखें इफ यू हैव दिस वन माइनस ए एम जीरो टू द पावर माइनस एम, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एक्चुअली मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय जीरो टू द पावर माइनस एम. मैं जीरो टू पावर माइनस एम को क्या या कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, लेट मी जस्ट राइट इट, जीरो ए एम ओवर जीरो टू द पावर एम, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा, जी एम माइनस ए एम ओवर जी एम, ठीक है. ये जो ओवर जी एम है ये मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया और अंदर मेरे पास क्या रह गया, जी एम माइनस जी रेज़ टू द पावर एम माइनस ए रेज़ टू द पावर एम. इज इट क्लियर नाउ. मैं डिनोमिनेटर में भी जी इनवर्स, ठीक है. ओके सो अब मुझे ये बताइए कि हाउ डू वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस थिंग.
ठीक है, न्यू डिनोमिनेटर के तो नहीं, जीरोज जो निकाल रहे हैं, हाउ डू फाइंड, लेट्स टेक जस्ट वन मिनट एंड देन विल जस्ट थिंक अबाउट इट, और उसके बाद मुझे बताइए कि आप देखें किसी भी चीज़ के जब आप रूट्स निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि उसको इक्वल टू जीरो करके और फिर सॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, सो हाउ विल यू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल. जी ठीक है, 52 पे मैं आ जाएगा इसका रूट ए आ जाएगा. आर यू श्योर? यस. ओके, लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग. लेट सपोज कि मेरे पास ये इक्वेशन है, ए रेज टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसका मतलब है कि मैं इसके रूट्स अगर निकालती हूँ तो दिस इज दिस थिंग, और मैं आपसे ये कहती हूँ कि इसके रूट्स देखें. अब ए रेज टू द पावर एन है या एक्स रेज टू द पावर एन कर देती हूँ, ए जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्स्टेंट लगता है. लेट मी जस्ट टेक सम वेरिएबल जो हम नोटेशन यूज कर रहे हैं, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन है. ठीक है, या इन अदर वर्ड्स ये आ जाएगा. अगर एक्स की पावर एन तक जा रही है तो इसका मतलब है कि अब आप देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो यू नो कि देर विल बी टू रूट्स. तो अगर यहाँ पर एन जा रही है एंड देन आई हैव टोल्ड यू कि एन इज समथिंग विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी वन, मतलब आपके पास जो है इट कैन बी टू थ्री, या लेट्स सपोज कि मैं इसको एन भी नहीं करती, जस्ट टू मेक द थिंग्स ईजियर और मोर क्लियरर, लेट मी जस्ट टेक इट फाइव. अब इसका मतलब है कि आई नो कि देर शुड बी फाइव वैल्यूज ऑफ एक्स, तो क्या मैं वो सारी की सारी वन ले लूँगी? हाउ डू आई सॉल्व इट? जिसको ना बेसिकली रूट्स ऑफ यूनिटी अगर हमने निकालना हो तो हाउ डू वी सॉल्व इट? एनी आइडिया? डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने तो की हुई है ना, चलें लेट मी जस्ट टेल यू कि कैसे करते हैं. बेसिकली जब भी आप यूनिटी के रूट्स निकाल रहे होते हैं, इन दैट केस व्हाट एक्चुअली यू डू इज यू एक्चुअली राइट दिस ई एज ई जे टू पाई के, बिकॉज वी नो के देयर विल बी फाइव रूट्स. ठीक है, सो वी राइट, बिकॉज वन कैन बी रिटन एज ई जे टू पाई के, वेयर के इज एनी नंबर फ्रॉम जीरो टू, जहाँ तक कि जितने भी हमने रूट्स निकाल लें, जीरो टू फोर. ठीक है, फाइव रूट्स हैं तो इसका मतलब है कि जीरो टू फोर ले रहे होंगे, या आपके पास जो है वो जीरो से लेकर एन माइनस वन तक जा रहा है. ठीक है, जो भी अगर मैंने यहाँ पे एन रखा हुआ होता, सो एंड देन व्हाट विल हैपन, योर एक्स विल बी कैलकुलेटेड, जो एक्स की वैल्यूज हैं जो कि इस इक्वेजन को सॉल्व कर रही होंगी, दे विल बी कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग दिस थिंग. ठीक है, और ये वाला जो है ना, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड nth रूट ऑफ यूनिटी की हम बात करते हैं, और इस केस में जो है ना, दिस इज नॉट समथिंग के जो मैंने जो है वो बेसिकली डिड्यूस किया है या डिराइव किया है, दिस इज स्टैंडर्ड वे ऑफ सॉल्विंग फॉर nth रूट ऑफ यूनिटी, या किसी कांस्टेंट का. अगर आपके पास जो है वो एक पावर है और उसके साथ सिर्फ एक कांस्टेंट मौजूद है, तो जब उसको आप सॉल्व करते हैं तो यू आर ऑलवेज सॉल्विंग लाइक दिस. अब जो हमारा सिचुएशन है, अगर हम उसको इससे पैरेलल में करना चाहूँ, आई हैव समथिंग जी एम इक्वल टू ए एम, तो आई कैन एक्चुअली राइट इट एज वन टाइम्स ए एम, और आई कैन अगेन यूज द सेम थिंग. यानी अगर आप वन टाइम ए एम का मतलब है कि आई एम सेइंग कि इसके साथ जो भी रेडियस है जो और द कांस्टेंट दैट इज अप्लाइड विद इट, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि वन है, एंड देन अगेन आई कैन राइट दिस एज दिस थिंग. एंड इन अदर वर्ड, जो मेरे पास जी की वैल्यूज आ रही होंगी इसको सॉल्व करके, दे विल बी इक्वल टू ई जे टू बाय के बाय एम टाइम्स ए. यानी मैंने जो है वो ए एंड देन k will be going from 0 to m minus 1. Okay, so let me actually go back to this slide. This is what we have done. Aur ye aapki book ki hi koi example hai, maine yahan ye nahi likha ki kaun sa example number hai, magar chapter 3 mein hi hai. Theek hai, so this is what we have done. कि यहाँ पर जो है ये यहाँ तक की चीज तो हमने पहले देख ली थी, इसके रूट निकालने के लिए दिस विल बी एक्चुअली सॉल्व बाय यूजिंग दिस थिंग. और अगर आप इस चीज को देखते हैं ना, सो इट इसका मतलब है कि z1 विल बी इक्वल टू ए ई जे टू पाई वन बाय एम और टू पाई बाय एम, z2 विल बी इक्वल टू ए ई जे टू पाई बाय फोर पाई बाय एम.
टू पाए और के की जगह टू आ जाएगा, नहीं सॉरी जीरो से स्टार्ट हो रहा है. सो द फर्स्ट वन के जीरो से, जी जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है. सो जी जीरो विल बी इक्वल टू ई ए ई जीरो, जी वन विल बी इक्वल टू ए ई जे टू पाए बाय एम, जी टू विल बी इक्वल टू ए ई जे फोर पाए बाय एम, एंड सो फोर्थ हमारे पास जो है वो रूट्स आते जाएंगे. तो इसका क्या मतलब है कि अब मेरे पास जो है एंड एंड ए इज हियर, सो इसका मतलब है एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, ये अगर चीज मैं देखती हूँ तो अगर हम अगेन पोलर कोऑर्डिनेट में देखते हैं तो इसका मतलब है ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सर्कल जिसके ऊपर हम कर रहे हैं एंड दिस इज एक्चुअली गिविंग मी द एंगल जहाँ पर वो जीरोस या रूट्स जो हैं वो लाए कर रहे होंगे. बिकॉज दे आर द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर तो इसका मतलब है कि ये जीरोस होंगे. तो वी विल बी स्टार्टिंग विद एंगल जीरो पे जिसका ये वाला एक जीरो है. देन आपके पास जो है ये एंगल जो है दैट विल बी आपके पास टू पाई बाय एम के आप ऊपर आ जाएगा. देन दिस इज टू पाई बाय 4 पाई बाय एम एंड सो फोर्थ. पूरा सर्कल जब कंप्लीट होगा तो आखिरी जो आपके पास होगा रूट दैट विल बी जी ऑफ एम माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू ए ई जे एम माइनस वन टाइम्स 2 पाई बाय एम, ठीक है. और ये जो भी चीज़ बन रही होगी दैट वुड बी एक्चुअली दिस पर्टिकुलर पोल जो कि जीरो जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है. सो वट वी अच्छा अब इस केस में जो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से ये क्लास में जो है मैंने करवाने का सोचा है इस एग्जाम्पल को. एक तो इसमें ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि आपको एक तो नया तरीका पता चल गया कि इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दिस कि जिसमें आपको जो है वो नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं इन दिस मैनर तो उस केस में जो है वो यू ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक के जिसके अंदर जो है वो आप क्यूब रूट या एनथ रूट ऑफ यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज़ करके कर रहे होते हैं. दूसरे इस चीज़ में अब आप देखें कि हमारे पास जो z ट्रांसफॉर्म आ रहा है उसमें मेरे पास m माइनस एक्चुअली m जो है वो नॉन जीरो जीरोज हैं, ठीक है. एंड आई हैव जस्ट वन नॉन जीरो पोल, ठीक है, विच इज एट z इक्वल टू a. तो इसका मतलब है कि एक पोल मुझे यहां पर भी प्लॉट करना चाहिए, एक क्रॉस यहां पर भी होना चाहिए था z इक्वल टू a के ऊपर विच इज एक्चुअली द सेम लोकेशन एज दिस वन. एंड वेयर आर द अदर पोल्स? अब एक पोल तो यहाँ पर आ गया है तो m माइनस अदर पोल्स कहाँ पे हो जाएंगे, m माइनस वन पोल्स जो रह गए वो हमें कैसे पता चलेंगे जी? एनीवन अभी हमने पीछे डिस्कस किया था जी. एक्चुअली हम उसके लिए क्या देखेंगे, वी नीड टू फिगर आउट कि ये z की पावर क्या आ रही है. ओके अब लेट मी जस्ट गो बैक टू दिस थिंग. ये देखें मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा था ना x ऑफ z जो था, ठीक है. अब इसमें अगर मैं देखूं इसको फर्दर सॉल्व करती हूं तो दिस विल कम आउट टू बी जी एम माइनस ए एम ओवर ये जीरो टू पावर माइनस एम जो है इसको मैं ऊपर लेके जा सकती हूं या ये कि जो ये वाला मेरे पास था जी जो नीचे था उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जा सकती हूं. दिस इज अप टू अस कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है. ये है लेट मी टेक इट इन द डिनोमिनेटर. तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा मेरे पास, अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ गलत की, दिस शुड बी जी ऑफ माइनस वन ऑल्सो क्योंकि जो न्यू डिनोमिनेटर में भी तो जी ऑफ माइनस वन कॉमन निकल रहा है ना, ठीक है. सो दिस विल एक्चुअली वट विल हैपन, दिस विल बिकम एम माइनस वन एंड जी माइनस ए, ठीक है. ये चीज़ मुझे बता रही है कि देयर आर एम माइनस वन पोल्स एट जी इक्वल टू जीरो, ठीक है. बिकॉज पोल्स आपके पास कौन से लोकेशन है जो कि इसको जीरो पे लेके जा रहे हैं एक्स ऑफ जी को, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन मेरे पास अब वी एंड देन बिकॉज दिस इज नॉट, अगर देखें अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा होता ना जी माइनस ए इक्वल टू माइनस ए इज समथिंग लाइक दिस तो फिर मैं उसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करती कि जिस तरह से हमने पहले किया हुआ है, बट दिस इज जस्ट दिस थिंग. सो एंड वी हैव सीन दिस थिंग इन दिस स्लाइड कि अगर मेरे पास जो है वो उसकी पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव में जा रही है, अगर मैं न्यूमरेटर में इसको लेके जाऊं तो वो माइनस ऑफ एम माइनस वन आ जाएगा, या डिनोमिनेटर में जाके जो है वो जी की पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास उतने ही पोल्स हैं एट जी इक्वल टू जीरो. सो अगर मैं इसका फिगर हम चेक करते हैं तो वी कैन सी के आई हैव रिटन दिस थिंग हियर के जी इक्वल टू जीरो के ऊपर एम माइनस वन लिखा हुआ है एंड देन क्रॉसेस बने हुए हैं. तो जिसका मतलब ये है कि आपके पास z इक्वल टू जीरो के ऊपर m माइनस वन पोल्स हैं
थोड़ी सी ये फिगर गलत है इन द सेंस कि यहाँ पे इन्होंने पोल को z इक्वल टू a के ऊपर जो पोल है वो भी होना चाहिए था. एंड वी विल सी लेटर ऑन के समटाइम्स वी एक्चुअली कैंसिल दीस जीरो एंड पोल्स जो कि एक ही लोकेशन पे मौजूद होते हैं, बट अगेन देर आर कंसिक्वेंसेज. हम इसको इस तरह से जो है वो मतलब कैंसिल अगर करते हैं तो देर कैन बी सम इशूज ऑल्सो. खैर उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बींग वट वी हैव सीन इज के दिस इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, और इस केस में जो है वो हमें जीरोज जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन जीरो जीरोज मिले हैं. पोल जो है वो हमारे पास एक पोल है विच इज़ इन एट z इक्वल टू a, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ कैंसलिंग विद अ जीरो ऑल्सो. तो इसका मतलब है कि नॉन जीरो जो जीरोज हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो जीरोज हैं और पोल सारे के सारे हमारे पास z इक्वल टू जीरो के ऊपर रह गए. वट विल बी द आर ओ सी ऑफ दिस थिंग, दिस एक्सप्रेशन जो भी आपके पास x ऑफ z आ रहा है. जी कौन बताएगा? देखिए आर ओ सी में अभी हमने क्या बताया है कि एक तो ये कि फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है. फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस में राइट साइडेड है लेफ्ट साइडेड है एक्स ऑफ एन को अगर हम देख रहे हैं. मैम राइट साइड. राइट साइडेड है. सो व्हाट शुड हैपन कि आपके पास जो है वो फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है राइट साइडेड है तो योर जी एक्स ऑफ सॉरी आर ओ सी शुड बी एंटायर जी प्लेन एक्सेप्ट जी इक्वल टू जीरो. ठीक है. और अभी जो हमारी पीछे की डिस्कशन है उससे भी हमें पता चल गया है कि आपके पास जो आर ओ सी है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए जो पोल्स हैं. ठीक है. तो अब ये वाला जो पोल है वो तो मैंने ये हमने देख लिया है कि इट इज़ इफेक्टिवली कैंसल बाय 1 0 जो कि आपके पास न्यूमरेटर में मौजूद है. लेकिन ये कि ये वाले जो पोल्स हैं दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन आर ओ सी विच मीन्स के z इक्वल टू जीरो शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन आर ओ सी एंड विच वी ऑलरेडी एक्चुअली नो ऑल्सो. एंड अनदर थिंग इज जो कि हम यहाँ से एक और चीज़ जो हम वो कर रहे हैं डिड्यूस कर रहे हैं वो ये कि दिस इज something that I used to solve this, but there is an other way of solving this na also ke agar aap simply jo hai kya karna shuru kare ki aap ye formula lagane ke bajaye agar aap sirf z ki powers ko kholna shuru kar dein a z inverse raised to the power 0 plus a z inverse raised to the power 1 plus a z inverse raised to the power 2 and so forth karke jo hai wo n tak chale jayenge to us case mein to ye bahut zyada clear cut aapko waise hi nazar aa jayega ki aapke paas jo hai wo right sided sequence hai and then it has z roc entire z entire z plane except z equal to 0 hai. theek hai. but the reason for solving it in this way was to just let you know ke there are more than one ways of solving the same thing, but it doesn't mean ke हमारा जो एंड रिजल्ट है उसके ऊपर खास फर्क पड़ रहा है. ओके इसमें हमारा काफ़ी टाइम लग गया है. लेट्स मूव टू सिस्टम फंक्शन. सिस्टम फंक्शन में अगेन वी एक्चुअली आर डिफाइन मूविंग फ्रॉम सीक्वेंसेस टू और सिग्नल्स टू सिस्टम्स, और एलटीआई सिस्टम की ही हम बात करेंगे. अब हमारे पास इफ दिस इज एन एलटीआई सिस्टम तो मेरे पास y of n is actually equal to x of n convolved with h of n. तो y of z क्या हो जाएगा अगर हम convolution की property को use करते हैं x of z multiplied by h of z, और यहाँ से I can have x of z equal to y z over x z. This h of z is actually called system function. ठीक है. और सिस्टम फंक्शन जो है वो सिंपली हमारे पास कैसे आ रहा होता है वाई जी ओवर एक्स ऑफ जी करके, जो भी आपके पास जी ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट और आउटपुट है उनका सिर्फ आपने रेशियो ले लेना है. और अगर मैं इसका इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म ले लूँ विच वी एक्चुअली डोंट नो हाउ टू डू राइट नाउ, लेकिन अगर मैं इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म ले लूँ एच ऑफ जी का, देन इट शुड गिव मी h of n which is the impulse response of the system. So this is one way of solving the system of equation. Acha now this is the case agar hamare paas a system hai jisme hum convolution se usko define kar rahe hain.
देयर इज एन अदर वे ऑफ डिफाइनिंग द एलटीआई सिस्टम जो कि हम कर चुके हैं, विच इज डिफरेंस इक्वेशन. डिफरेंस इक्वेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, कि लेट्स सपोज कि यू आर गिवन अ डिफरेंस इक्वेशन के फ्रॉम 0 टू n a k y ऑफ n माइनस k इक्वल टू 0 टू m bk x ऑफ n माइनस k. एंड आई आस्क यू कि यहां से सिस्टम फंक्शन निकालें. अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जो चीज़ हमने करनी है वो ये कि ओके लेट मी एक्चुअली गो हियर जहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है. अच्छा, सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करना किया हुआ है मैंने यहाँ पर, आई हैव जस्ट रिटर्न देम बाय ओपनिंग द समेशन. और ओपनिंग द समेशन के साथ साथ एक और चीज़ जो मैंने की हुई है वो ये कि अगर देखें आप वैसे ओपन करते हैं ना समेशन को, तो दिस शुड बी ए नॉट वाई ऑफ एन प्लस ए वन वाई ऑफ एन माइनस वन एंड सो फोर्थ आपके पास आ रहा है. लेकिन यहाँ आपको नजर आ रहा है कि मैंने ए नॉट उसके साथ नहीं लिखा हुआ. तो बेसिकली व्हाट वी डू ऑलवेज इज के वी एक्चुअली डोंट वांट एनी कांस्टेंट टू बी मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ एन, बिकॉज वाई ऑफ एन इज आर करंट आउटपुट. अगर आपको याद हो हमने पीछे जब डिफरेंस इक्वेशंस की थी तो हमने ये कहा था कि हम वाई ऑफ एन को एक तरफ रखते हैं और बाकी तमाम चीजों को दूसरी तरफ ले जाते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन के वाई ऑफ एन इज द थिंग दैट इज कंसर्न, that is the most important thing, जो कि current output है. तो उसके साथ मैं a not नहीं चाहती. तो what we actually do is कि अगर a not है जो कि non जो which is not equal to one, तो हम उसको one करते हैं. या in other words यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई नहीं है but which is implied here is कि ये जो भी आपके पास पूरा का पूरा system था, जितने भी terms थे उन सब को a not से divide कर दिया गया है throughout. तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये वन हो गया और ये जो अब ए वन है बेसिकली दिस इज ए वन ओवर ए नॉट है. या ये कि वी आर अस्यूमिंग यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ, सो वी कैन एक्चुअली अस्यूम हियर के ए नॉट इक्वल टू वन, मैं यहाँ पे अस्यूम कर लेती हूँ. ठीक है, कि और अगर वन नहीं है तो फिर हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं. एनी वे दिस इज द वे हमने इसको ओपन कर लिया एक्सप्रेशन को. एंड देन आई एम अप्लाइंग जी ट्रांसफॉर्म ऑन द होल एक्सप्रेशन. अब हमें ये पता है कि जहाँ जहाँ डिलेज हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा. ओके लेट एक्चुअली लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग. लेट सपोज कि मेरे पास जो है वो समेशन है वाई ऑफ एन है प्लस ए वन वाई ऑफ एन माइनस वन है. लेट सपोज कि मेरा जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ डिलेज हैं एन ऑफ टू तक जा रहा है, और दूसरी साइड पर मेरे पास बी नॉट एक्स ऑफ एन है प्लस बी वन एक्स ऑफ एन माइनस वन है, और मैं इन तमाम के ऊपर z ट्रांसफॉर्म लगाती हूँ. ठीक है, अब एंड आई एम अस्यूमिंग के y ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म इज y ऑफ z एंड x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म इज x ऑफ z. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, ये तो सिंपली y ऑफ z हो जाएगा. दिस इज दिस विल बी इक्वल टू, अब अगर आप देखें डिले की प्रॉपर्टी लगाएं तो दिस विल बी इक्वल टू a1 z इनवर्स y ऑफ z. ठीक है, डिलेज में क्या होता है कि आपके पास जो सेम z ट्रांसफॉर्म है दैट इज एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय द z की पावर टू वट एवर द डिले वॉज. ठीक, z इनवर्स की पावर जो है तो z रेज़ टू द पावर माइनस वन आ जाएगा. देन दिस विल बी इक्वल टू a टू z माइनस टू वाई z, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा b नॉट x z प्लस b1 z इनवर्स x z. अब राइट साइड से मैं yz को सॉरी लेफ्ट साइड से मैं yz को कॉमन निकाल सकती हूँ एंड आई हैव a प्लस दिस एक्सप्रेशन. कहीं पे कोई चीज़ अगर कंफ्यूजिंग लगे तो पूछ लीजिएगा. एंड राइट हैंड साइड से आई कैन टेक x of z common and I have this thing. ठीक है, अब h of z is equal to yz over xz. ठीक है, तो इसको kind of मैं अगर cross multiply करूं या ये के if I take want to take yz over xz from this expression then it will come out to be b naught plus b1 z inverse over 1 plus a1 z inverse plus a0 z raised to the power minus 2. ठीक है, so what does we
What does it tell me? अब आप देखें, from where did I start? I started with this expression. और यहाँ से मुझे जो सिस्टम फंक्शन मिल गया है वो यहाँ मिल गया. अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, यू कैन सी के अगर मैं ये पूरा प्रोसेस ना भी करती तो सिस्टम फंक्शन मेरे पास कैसे आ जाता. सिर्फ इसके कोफिशियंट्स मैंने लेने थे, बी नॉट जो x ऑफ n का कोफिशियंट है उसको मैंने उसी तरह लिखा हुआ है, जो b1 का कोफिशियंट है उसको z इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर कोई b2 होता तो उसका कोफिशियंट z -2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड सो एंड सो फोर्थ. एंड सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर आई हैव z की पावर्स मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशियंट ऑफ द साइड जो के y वाली साइड थी, y आउटपुट और उसकी जो फीडबैक वाली साइड थी, ठीक है, या जिसको हम ऑटो रिग्रेसिव वाली साइड भी कहते हैं, जो राइट साइड हम वी हैव टॉक्ड अबाउट के मूविंग एवरेज वाली साइड है. एंड देयर आर, इसी तरह हमें ये भी पता है कि जो सिर्फ x ऑफ है वो फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि y वाली साइड है उसमें इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस, नॉट इंपल्स रिस्पांस, फाइनाइट ड्यूरेशन एंड इनफाइनाइट ड्यूरेशन, ये हमने सारी चीजें जो है ये बात की है. बट वट इज समथिंग इंटरेस्टिंग इज कि इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ system function, so is sorry if you are starting with a difference equation, so system function aap directly nikal sakte hain by just looking at the coefficients jo ke aapke paas yahan par maujood hain. Ab jab mere paas ye system function aa gaya hai, again you can relate it with the rational z transform. Okay, ab mere paas agar h of z jo hai, it has come into this form, polynomials in the numerator and polynomials in the denominator, to isko hum roots factorize karke roots nikal sakte hain, aur jab hum roots nikal le to iska matlab hai ki hame systems ke poles and zeros mil jate hain, aur jab hame systems ke poles and zeros mil gaye to iska matlab hai ki we can actually design the system or try to understand the system by just looking at the systems poles and zeros. ओके, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. मैम, इसमें हमने a नॉट को 1 ही क्यों लिया? ये ना बेसिकली जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एट द एंड ऑफ द डे वी वांट समथिंग लाइक दिस कि y ऑफ z इक्वल टू, हम आगे भी देखेंगे कि y ऑफ z इक्वल टू समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to n, ये मेरे पास क्या आ जाता है सम, एक मिनट, और लेट मी जस्ट, ये हमने जिस तरह पहले भी किया था कि जब आपके पास कोई भी इक्वेशन है ना, लेट मी गो बैक हियर, ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में जब मैं इसको फाइनली सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, व्हाट आई वुड वांट इज कि y एक साइड पर हो और दूसरी साइड पर जो है वो मेरे पास इक्वल टू एवरीथिंग एल्स है, माइनस ऑफ a1 माइनस ऑफ a2 आ जाएगा. तो I don't want anything to be multiplied by y of n, because हम जब आप आकर आपको याद हो हमने वो भी बनाया था ब्लॉक डायग्राम विच एक्चुअली रिप्रेजेंट द सिस्टम. तो जब हम ब्लॉक डायग्राम बना रहे होते हैं ना, वी ऑलवेज हैव दिस y of n here, और हम इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई, वी ट्राई नॉट टू मल्टीप्लाई इट विद एनी थिंग बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज गिविंग अस द करंट आउटपुट. वी ऑलवेज वॉन्ट इट टू बी एट वन साइड एंड एवरी थिंग एल्स ऑन द अदर साइड. तो इस वजह से जो भी कांस्टेंट होता है अगर वो 0, 1 नहीं है तो हम उसे डिवाइड करके सम हाउ इसको इस तरह कर लेते हैं, या फिर ये कि हमने यहाँ पे जिस तरह अस्यूम कर लिया है, अस्यूम करने का मतलब ये है कि वी आर जस्ट सेइंग कि अगर कोई था भी नॉन जीरो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन तो उसको हमने डिवाइडेड बाय ए नॉट कर दिया है. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द ईज ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कि हम जो है एक्सप्रेशन जब भी हम लिखते हैं इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप तो वी एक्चुअली वॉन्ट टू राइट जस्ट वाई ऑफ एन ऑन वन साइड एंड एवरीथिंग एल्स ऑन द अदर साइड. और इसका हम आगे भी जाके जो है वो अगले ही दो स्लाइड्स हैं उसमें हम देखते हैं कि इससे हमें और भी क्या चीज़ पता चल रही होती है. ओके, लेट मी गो बैक हेयर. अच्छा, अब ये जो लास्ट वाला मेरे पास एच ऑफ z आया है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू b नॉट प्लस b1 z इनवर्स, ठीक है, एंड प्लस bm z माइनस m ओवर 1 प्लस a1 z इनवर्स प्लस सो एंड सो फोर्थ an z माइनस m. ठीक है, आई कैन राइट इट एज k फ्रॉम 0 टू m bk 0 to the power minus k, and I can write in the denominator 1 plus k from 1 to n ak
जीरो टू द पावर माइनस के, ठीक है? और ये वन जो है वो किस वजह से आया, बिकॉज ए नॉट को हमने जो वन किया हुआ था. नाउ कैन एनी वन टेल मी कि अगर मैं आपको ये एक्सप्रेशन दे देती हूँ एंड आई आस्क यू कि अच्छा मुझे इसमें से ये बताएं कि अगर मेरे पास एक्चुअल जो सिग्नल था वो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स था, यानी उसमें जो एच ऑफ एन था उसकी लेंथ फाइनाइट थी, तो उस केस में ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, और अगर इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स था तो उस केस में क्या बन जाएगी. या लेट मी राइट समथिंग, के लेट सपोज के मैं ये कह देती हूँ कि एच ऑफ एन फाइनाइट का मतलब है कि एच ऑफ एन वॉज इक्वल टू वट, एच ऑफ एन वॉज इक्वल टू 1, 2, 5, लेट मी सी 7, इस तरह की कोई चीज़ थी, ठीक है? और अच्छा लेट मी एक्चुअली राइट फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ से था. या ऑन द अदर हैंड एच ऑफ एन जो है वो ए एन यू ऑफ एन था, ठीक है? फाइनाइट और इनफाइनाइट लेंथ दोनों की हम बात कर चुके हैं ना, सीक्वेंसेस के टर्म में बात कर चुके हैं. अब उसी को सीक्वेंस के बजाय आप सिस्टम की टर्म में अगर ले लेते हैं, एंड आई वांट यू टू टेल मी कि अगर मेरे पास पहला वाला है तो ये जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन है मेरे पास, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल रहेगा और कौन सा ख़त्म हो जाएगा, और अगर दूसरा वाला है सिर्फ यानी फाइनाइट लेंथ वाला अगर था तो कौन सा पॉलिनोमियल रहेगा, और अगर इनफाइनाइट लेंथ वाला होगा तो कौन सा पॉलिनोमियल रहेगा. कैन एनीवन गेस फ्रॉम हियर? मैम ऊपर वाले में तो ये नीचे वाला पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा. Exactly. और इनफाइनाइट में ऊपर वाला खत्म हो जाएगा. एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी गुड. सो व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर इज, देखिए हमने, और ये ना चीज यहाँ पे हमें नजर भी आ रही है, ठीक है, कि आपके पास जो है वो फाइनाइट लेंथ में क्या है हमारे पास, कि बेसिकली अगर मैं फाइनाइट लेंथ की बात कर रही हूँ तो उस केस में क्या हो रहा है कि एक्स की सिर्फ वैल्यूज इन्वॉल्व है, एक्स है, एक्स की प्रीवियस वैल्यूज हैं जो कि मौजूद हैं हमारे पास एच ऑफ एन के लिए. इनफाइनाइट वाले में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास वी हैव दिस थिंग अवेलेबल, और अगर हमें चले कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी है, वी हैव सीन इन मेनी एग्जाम्पल्स कि अगर हमारे पास फाइनाइट इम्पल्स सॉरी फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेज हैं तो उस केस में क्या था. वी एक्चुअली हमने अभी एग्जाम्पल्स किए हैं कि फाइनाइट लेंथ अगर सीक्वेंस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर हमने किया है, ये तो हमने खैर डिफरेंट तरीके से किया था. इन एनी केस अगर मैं फर्स्ट करें इसी की बात करती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो चीज़ जो है वो मैंने कहाँ पे की थी, लेकिन ये कि अगर मैं इसी की बात करती हूँ तो इस केस में अब आप देखें कि व्हाट विल हैपन, कि दिस विल एक्चुअली बी इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जिस विल बी 1 + 2 जी इनवर्स प्लस 5 z - 2 प्लस 7 z - 3, ठीक है? तो इस डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 1 आ रहा होगा, और ऑन द अदर हैंड जो ये वाला है इसका हम देख चुके हैं कि 1/(1 - a) जी इनवर्स एक्सप्रेशन में आ रहा होगा. फिलहाल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ROC, लेकिन एक्सप्रेशन की बात है. तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है उस केस में मेरे पास जो है वो कोई भी पॉलिनोमियल मौजूद नहीं है, जस्ट 1 आ रहा है, जबकि अगर फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो उस केस में जो है वो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा. तो दिस इज एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट एक्चुअली हैपन्स, कि आपके पास जो है वो एच ऑफ जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, एंड इफ़ आई टेक ऑल ऑफ ए के टू बी इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स कि जो मेरे फीडबैक वाले टर्म्स थी, फॉर फीडबैक वाली जो टर्म्स थी वाई ऑफ एन माइनस वन, वाई ऑफ एन माइनस टू एंड सो एंड सो फोर्थ, उनके तमाम कोफिशिएंट ज़ीरो हो गए. सो इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं दे हैव बिकम ज़ीरो. देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आई विल हैव दिस दिस थिंग एच ऑफ जी इज इक्वल टू के फ्रॉम 0 to m बी के 0 to the power - k, ठीक है? और इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, अब इसमें से देखें जो हाईएस्ट पावर मेरी जाएगी वो कहाँ तक जा रही होगी. अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, लेट मी ओपन इट, बी नॉट प्लस बी वन जी इनवर्स प्लस बी टू जी माइनस टू से लेकर बी एम जी माइनस एम तक जा रहा होगा. तो अगर मैं जी माइनस एम को कॉमन ले लेती हूँ तो इट विल बिकम इन ऑर्डर टू मेक इट ओनली इन पॉलिनोमियल इन एम instead of m minus 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा.
या इन अदर वर्ड्स मैं इसको फर्दर किस तरह लिख सकती हूँ, z माइनस m समेशन k फ्रॉम 0 टू m b k z ऑफ m माइनस k. ठीक है, कि z माइनस m कॉमन ले लिया तो इसका मतलब जितने भी आपके पास z की पावर्स थी उसमें m ऐड हो रहा है इनसाइड. और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज कि ये वाला जो z है इट कैन बी रिटर्न इन द डिनोमिनेटर. और ओवरऑल व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स था इन विच केस द फीडबैक टर्म्स वर नॉट देयर, देन इन दैट केस हमारे पास जो सिस्टम है उसमें नॉन जीरोज, ऑल द जीरोज आर नॉन जीरोज एंड ऑल द पोल्स आर एट z इक्वल टू जीरो. यानी इस केस में जो है वो, सो दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम जो कि FIR सिस्टम होगा या फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम जो है. अगर आप उसका z ट्रांसफॉर्म देखते हैं, इफ यू फाइंड के z ट्रांसफॉर्म में सिर्फ नॉन जीरो जीरोज मौजूद हैं तो यू कैन सेफली से के दैट इज अ z ट्रांसफॉर्म एंड FIR सिस्टम. और बाकी जो पोल्स हैं वो सारे के सारे z इक्वल टू जीरो के ऊपर हो जाएंगे. ठीक है, आर ओ सी क्या हो जाएगा इसका? आर ओ सी विल बी, अब जिस तरह हम k को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वी आर एक्चुअली अस्यूमिंग कि हमारे पास जो है वो राइट साइडेड सीक्वेंस ही है. तो आर ओ सी जो हो जाएगा वो एंटायर z प्लेस हो जाएगा एक्सेप्ट z इक्वल टू जीरो की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, और अनदर थिंग, अच्छा अब इस केस में आपके पास FIR सिस्टम की और क्या प्रॉपर्टी होती है? वुड इट बी स्टेबल और नॉट? यस मैम, ऑलवेज. ठीक है, ऑलवेज स्टेबल. ठीक है, ये हम चीज पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं. ठीक है, सो जस्ट बाय लुकिंग एट एच ऑफ जी वी कैन कंक्लूड अ मेनी थिंग्स अबाउट आर सिस्टम. के आपके पास जो है अगर सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो जीरोज हैं तो दैट इज एन FIR सिस्टम. और आपके पास जो है वो आर ओ सी अगर कॉजल भी है, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया हुआ है कि वी आर जस्ट टेकिंग नेगेटिव पावर, हमारे पास जी जो है उसमें नेगेटिव पावर हो रही है बिकॉज के को हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. अभी वी एक्चुअली सॉ दिस थिंग जब हम डिफरेंस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे कि वी आर कंसर्न विद कॉजल LTI सिस्टम्स. तो इस वजह से जो यहाँ पे भी हमने k को जीरो से स्टार्ट किया हुआ है, और k को जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि यू डोंट हैव एंटीकॉजल नहीं है टर्म्स, और योर आर ओ सी वुड बी z एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z z इक्वल टू जीरो. एंड द अदर वे राउंड, इफ यू हैव ऑल b k जीरो एक्सेप्ट b नॉट, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये वाली जो टर्म्स हैं इसमें से सिर्फ एक टर्म रह जाएगी बी नॉट वाली, बाकी तमाम की तमाम जीरोज हो जाएंगी. एंड इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, दिस विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट समथिंग दैट विल बी इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस, जिसकी एक जो छोटी सी एग्जांपल थी वो हमने इस तरह से देखी थी कि इफ एच ऑफ एन जो है दैट इज इक्वल टू ए एन यू एन. ठीक है, तो इसको जो है, एंड देन अगेन वही वाली बात है कि ए एन यू एन है या एन टाइम्स ए एन यू एन है. ठीक है, या इसके अलावा जो है हमने कोसाइन वाला एक किया था ए एन कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन. ठीक है, एंड वी सॉ दीज थिंग्स कि इस केस में हमारे पास जो है वो सिर्फ एक पोल आ रहा था. इस केस में बेसिकली वी हैड स्क्वायर ऑफ दिस थिंग. ठीक है, एंड देन यहाँ पे भी वन नहीं था, कुछ और था. ठीक है, विच आई एम नॉट, एंड देन इन दिस केस ऑल्सो वी हैड टू पोल्स जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में थे. बट द थिंग इज के इन ऑल ऑफ दीज केसेस यू कैन सी के दीज आर इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्सेज. तो वी हैव एस्टेब्लिश दिस थिंग कि अगर नॉन जीरो पोल्स हैं आपके पास तो दैट कॉरस्पॉन्ड टू इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम. अगर नॉन जीरो जीरोज हैं ओनली तो दे इट कॉरस्पॉन्ड टू फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम. एंड इफ यू हैव नॉन जीरो जीरोज एंड पोल्स बोथ तो दे एक्चुअली आर मोस्टली कनेक्टेड विद इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम. बट अगेन दैट इज नॉट अ मस्ट बिकॉज हमने जो है मतलब इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम कि हम फिर उसमें से अगर पोल्स जीरोज कैंसिल आउट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के पीछे हमने एग्जाम्पल की थी यहाँ पर, ये वाली एग्जाम्पल, तो इसमें हमने देखा था कि वी हैव अ नॉन जीरो पोल ऑल्सो बट दिस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस. अगर ये एक्स की जगह एच हो जाता तो इट वुड हैव बीन एन finite impulse response system. Okay, not infinite, but that is because this pose would be cancelled out by
दिस जीरो जो कि यहाँ पे मौजूद है. तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास तमाम के तमाम जो पोल्स हैं वो ट्रीवियल हो जाएंगे विच आर एट जी इक्वल टू जीरो. तो सो वट वी कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज के हमारे पास देर इज अ स्पेसिफिक वे कि जिससे जो हमारे पास सिस्टम फंक्शंस होता है जब हम उस सिस्टम फंक्शन को देखते हैं तो वी कैन एक्चुअली कंक्लूड फ्रॉम देयर कि हमारे पास सिस्टम जो है वो किस तरह का होगा जिसका ये सिस्टम फंक्शन आया हुआ है. ओके वी विल स्टॉप हियर और स्टेबिलिटी वगैरह जो है वो फिर हम कल करेंगे एंड वी विल ट्राई टू डू सम इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म जिसको हमने अभी तक टच नहीं किया है कि हाउ टू फाइंड inverses also because at the end of the day agar humne system function dekh liya hai to we know ke system function LTI system mein system function is important kyunki wo hame bahut si information de raha hai but most of the time we want to find the impulse response from the system function. So iska matlab hai ki we need to know how to do the inverse also. So wo bhi hum kal touch karne ki koshish karenge aur ओके मैंने कल में से डाउनलोड नहीं हो पाया था बट टुडे आई विल ट्राई कि मैं आज का और कल का दोनों जो लेक्चर्स हैं वो डाउनलोड कर लूँ. सो लेट मी स्टॉप.